लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने सिहोरा नगर पालिका परिषद की जल प्रदाय शाखा में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ एक कर्मचारी को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। रिश्वत के मामले में पकड़े गए कर्मचारी ने जल प्रदाय शाखा में सप्लाई की गई सामग्री के 7,00,000 रुपयों के बिल भुगतान और टेंडर की सुरक्षा निधि राशि को वापस कराने के एवज में ठेकेदार से 35,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। जिले के विभिन्न शासकीय विभागों में रिश्वतखोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लोकायुक्त की टीम ने शुक्रवार को सिहोरा नगर पालिका परिषद जल प्रदान शाखा में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ लिपिक संतोष दहायत को ठेकेदार से 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। संतोष दहायत ने ठेकेदार देवेंद्र कुमार साहू से जल प्रदाय शाखा में उसके द्वारा सप्लाई की गई सामग्री के 7,00,000 रुपए के बिल भुगतान और टेंडर की सुरक्षा निधि वापस करने के एवज में 35,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत देवेंद्र ने लोकायुक्त एसपी को की और शिकायत के आधार पर सिहोरा पहुंची लोकायुक्त की टीम ने संतोष दहायत को देवेंद्र कुमार से 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बिल निकालने के लिए इन्होंने वहाँ नगर पालिका परिषद सिहोरा में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 है संतोष दाहिया, इनसे बातचीत की थी। इनके द्वारा बिल निकालने के और सिक्योरिटी निकालने के एवज में 35,000 रुपये की डिमांड की गई थी। आज हमने उनको 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, कार्रवाई चली। लोकायुक्त की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। लोकायुक्त ने रिश्वत लेते पकड़े गए कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है।